बहेड़ी में सरकारी अस्पताल में केसर मिल द्वारा लगे ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन डीएम बरेली ने किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी 9 न्यूज। दरअसल बरेली के बहेड़ी में कोरोना की दूसरी लहर में हुई ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए केसर चीनी मिल द्वारा सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई, जो पूर्ण रूप से तैयार होने पर आज केसर मिल प्रबंधन ने डीएम बरेली नीतीश कुमार, बीजेपी विधायक सत्यपाल सिंह गंगवार ने ऑक्सीजन प्लांट का फीता काटकर शुभारंभ किया। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपर सचिव गन्ना व आबकारी संजय भूरेड्डी भी उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में सबसे पहले प्लांट पर गायत्री मंत्र पढ़कर प्लांट का शुभारंभ किया गया, जिसमें केसर मिल के MD शरद मिश्रा, DM बरेली नीतीश कुमार, SSP बरेली रोहित सिंह सजवाण, विधायक सत्यपाल सिंह गंगवार, बरेली CMO भी शामिल हुए। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव संजय भूरेड्डी ने बताया कि बहेड़ी जो ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, ये प्रदेश का 20वां ऑक्सीजन प्लांट है, जबकि बरेली के मीरगंज में भी ऑक्सीजन प्लांट जल्द शुरू हो जाएगा, जिसके बाद ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरे जिले में होगी। वहीं DM नीतीश कुमार ने बताया कि UP 75 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, लेकिन बरेली 5 ऐसे जिलों में शामिल है जहां पर 2 ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे BJP विधायक सत्यपाल सिंह गंगवार ने कहा कि बहेड़ी में ऑक्सीजन प्लांट लगने से यहाँ की जनता को बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि जब भी कोई सड़क दुर्घटना होती है तो उसमें घायल व्यक्ति को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत पड़ जाती है, जिसके बाद उस व्यक्ति को बरेली ले जाना पड़ता था, जिसके कारण सही समय पर इलाज नहीं मिलने पर उसकी मौत तक हो जाती थी। अब ऑक्सीजन उपलब्ध होने के कारण किसी भी व्यक्ति को इस संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। संवाददाता साहिद अंसारी के साथ मैं विमलेश शर्मा, आप देख रहे हैं एबीपी 9 न्यूज, हर खबर आप तक। कितने बेडों को ऑक्सीजन देगा कुछ? सबसे पहले तो बहेड़ी के लोगों को मेरी ओर से शुभकामनाएं कि हम लोगों ने पूरा प्रयास करके बहेड़ी, मीरगंज में और आंवला में इफ्को प्लांट में भी हम लोग का ऑक्सीजन प्लांट स्टार्ट हो गया है, और हम लोगों का जो बरेली में है जो आपका 300 बेड हॉस्पिटल है उसमें भी हम लोगों ने प्लांट इस्टेब्लिश कर दिया है, और डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल है वो हमारा अंतिम है, उसमें भी हम लोग प्लांट 10 दिन के अंदर हम लोग कर देंगे। तो हमारे पास इतने ऑक्सीजन प्लांट हो गए हैं और उसका जनरेशन इतनी कैपेसिटी हो गई है कि अगर कोई आपदा आती है तो हम लोग बेहतर तरीके से ऑक्सीजन में सेल्फ रिलाई कर गए हैं, हम लोग के पास आत्मनिर्भर हो गए हैं ऑक्सीजन के मामले में, और हम लोग बेहतर तरीके से प्रबंधन कर पाएंगे, ऐसी हम लोगों की आशा है। और हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो हमारे CAC हैं जहाँ ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं उसको पाइपलाइन से जोड़ा जाए, तो हम लोगों ने यहाँ पर 30 की जगह 50 बेड्स में पाइपलाइन लगाए हैं। मीरगंज में भी हम लोग कर रहे हैं, इस तरह डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल में कर रहे हैं, हमारे यहाँ लगभग 1000 बेड्स में हम लोग पाइपलाइन के थ्रू हम लोग ऑक्सीजन दे सकते हैं, जो हम लोगों ने कैपेसिटी डेवलप की है। हमारा इफ्को का जो प्लांट है उसमें 152 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी है, उसी प्रकार हमारा 300 बेड है उसमें 1000 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी है, मीरगंज में 330 लीटर पर मिनट की, और बहेड़ी में 330 लीटर पर मिनट की, और डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल 500 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी है। तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से किया है। हम लोगों ने प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें भी प्रयास किया है कि वहाँ भी ऑक्सीजन प्लांट इस्टेब्लिश हो, कि किसी भी आपदा की स्थिति में हम लोग बेहतर तरीके से प्रबंधन कर पाएँ। इसलिए पूरे शासन की ओर से मैं सब लोगों को आश्वस्त करता हूँ, इसमें माननीय विधायक जी और प्रमुख सचिव गन्ना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय गन्ना मंत्री जी ने, सब लोगों ने सहयोग किया है, और हम लोग को बेहतर एक आधारभूत संरचना दी गई है, और इसमें हम लोग बेहतर तरीके से, हमारी आशा है कि लोग संचालित करेंगे और बेहतर तरीके से हम लोग काम करेंगे। थैंक यू सर। प्लांट क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराया गया है केसर इंटरप्राइजेज प्रबंधन के हम बहुत बहुत आभारी हैं, बहेड़ी क्षेत्र की जनता की ओर से और अपनी पार्टी की ओर से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसमें विशेष रूप से प्रेरणा देने के लिए हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय, हमारा बरेली जिले का प्रशासन और हमारे गन्ना विभाग के पूर्व में यहाँ जिलाधिकारी रहे और गन्ना आयुक्त और प्रमुख सचिव ऐसे मानवर संजय भूसरेड्डी साहब का विशेष रूप से योगदान रहा। उन्होंने गन्ना मिल प्रबंधन से वार्ता किया और यहाँ पर प्रेरित किया कि एक ऐसा सामाजिक एक आवश्यकता है उसके लिए, कोविड के लिए बचाने के लिए इसमें ऑक्सीजन प्लांट के लिए करो, और उनका निर्देश, दिशा निर्देश, और उसके कारण से प्रबंधन ने सहमति दी और इन्होंने ये प्लांट बनाकर दिया है। उसके लिए क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ी एक कोविड और बाकी अन्य समयों पर कहीं वैसे ईश्वर ना करे कहीं आवश्यकता पड़े, पर अगर आवश्यकता पड़ती है तो ये हमारे लिए विशेष उपलब्धि है। हमारा CSC है बहेड़ी और एक ऐसा एक यूनिट अभी यहाँ पर ये हो गया कि कभी भी इस प्रकार की आकस्मिक कोई घटनाएं होती है तो उससे हम अपने समाज को या पीड़ित को बचा सकते हैं। और
बाकी हम सब लोगों ने प्रयास करके और इसको तैयार करा लिया है और संभावित ऐसा लगता है कहीं कोविड का फिर से कोई प्रभाव न पड़ जाए और तीसरी लहर का प्रकोप न हो जाए, तो उसके लिए पूर्व से ही हमारी तैयारी हो गई। इसलिए अब हमारा समाज निश्चिंत है। गाँव में से बड़ी मात्रा में कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए बड़ा आग्रह आ रहा है और अब लोगों में जागृति हुई है, चेतना अब पहुंची है और लोग अपने गांव से ही डिमांड कर रहे हैं हमारे अब साथ वैक्सीन लगाने के हिसाब से टीम को भेजिए। हमारा तंत्र उस काम को कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है और भी जो भी और हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं वो सब इस काम में सहयोग कर रही हैं और बहुत जल्दी ही यहाँ पर कोविड की वैक्सीन गाँव-गाँव सब लग जाएगी ऐसा मुझे विश्वास है और हमारा क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। मैं आज इस लोकार्पण के अवसर पर अपने क्षेत्र की सब जनता को धन्यवाद भी देता हूँ और उनकी भी एक विशेष उपलब्धि मिली है उसके लिए फिर से पुनः केसर प्रबंधन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।